और अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे समय में कर्नाटक कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राहुल की पदयात्रा में शामिल होने का प्लान बनाया। आइए जानते हैं कन्याकुमारी टू कश्मीर पदयात्रा में सोनिया कब और कहां शामिल होने वाली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, जिसके जरिए वे देश की सबसे पुरानी पार्टी के गिरते जलाधार को फिर से वापस पाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। वहीं इस यात्रा में राहुल गांधी को अब सोनिया गांधी का भी साथ मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक कन्याकुमारी टू कश्मीर पदयात्रा को और अधिक धारदार और ताकतवर बनाने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। बताया जा रहा है कि पदयात्रा में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी आज कर्नाटक के लिए रवाना होंगी और कोडागु जिले के मदिकेरी कस्बे में 2 दिन रुकेंगी, जबकि सोनिया गांधी की पदयात्रा में शामिल होने के अगले दिन प्रियंका गांधी की भी इस यात्रा में शामिल होने की संभावना है। हालांकि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इन सब के बीच कर्नाटक कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा में सोनिया और प्रियंका के शामिल होने से न सिर्फ कांग्रेस मजबूत होगी, बल्कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंक देगी।